जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे सीआईएस जनरल साइंस के कुछ क्लासेस। इससे पहले हमने फिजिक्स की लास्ट क्लास करी थी, हमने क्लास फर्स्ट, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी फिजिक्स की क्लास टू, यानी हमारी सेकेंड क्लास, किसकी? फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान। तो हम उसी के बाद से कंटिन्यू करेंगे, उसमें हमने 25 क्वेश्चन तक किए थे, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 26वें क्वेश्चन से। हमारा 26वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल, वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर क्या करता है? कॉनकेव मिरर बेसिकली होता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। ये करता क्या है, ये कैपेबल होता है लाइट को एक एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने के लिए। मतलब बेसिकली जैसे यहाँ पे कई सारी कई तरीके से लाइट आ रही है, तो ये सबको कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो ये कौन कर पाता है? कॉनकेव मिरर कर पाता है, तो इसलिए इसको हम हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल में यूज करते हैं। जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर से, वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? बी, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, इसका आंसर हो गया। आज बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन, जो कि हमारा, एन ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स नन अपीयर्स, एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशेषित करती है और किसी को भी प्रतिबिंबित नहीं करती, वो कौन सा कलर है? वो कलर है ब्लैक। काले कलर में कोई भी रंग आप डाल दो, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ भी शो नहीं करेगा। यही एक रीजन है कि जो ब्लैक कलर है वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ऐसा करता क्यों है? बेसिकली जो ब्लैक कलर है सबको एब्जॉर्ब कैसे कर लेता है? क्योंकि ये सारी जो वेवलेंथ आ रही होती है ना, ये सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, सबकी वेवलेंथ से ज्यादा होता है, इसलिए आपको कुछ दिखता नहीं, सब कुछ ब्लैक ही दिखता है। तो इसका मतलब आपका बी, ब्लैक इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 28वां क्वेश्चन, जो कि हमारा, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास इट एक्सपीरियंस चेंज इन, जब प्रकाश हवा से कांच में गुजरता है तो यह परिवर्तन का अनुभव करता है। कौन सा परिवर्तन होता है? देखो बेसिकली क्या है, ऐसे मानो ये आपका कांच है, मतलब ग्लास है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका पूरे में एयर है। जो लाइट है ऐसे आ रही थी, अब जैसे ग्लास में आएगी तो क्या होगा, इसके अंदर क्या चीज चेंज होगी? तो चेंज होगी इसकी वेवलेंथ एंड स्पीड। कैसे वेवलेंथ एंड स्पीड? क्योंकि जैसे ही ये चेंज करता है, क्या चीज, अपना एनवायरनमेंट चेंज करता है। पहले किसमें था? हवा में था। अब हवा से कहाँ आ रही है? हवा से भी आ रहा है ग्लास में। तो ड्यू टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तक सूचकांक के कारण इसके अंदर चेंज आता है। वो चेंज किसमें होता है? वो चेंज इसकी वेवलेंथ में और स्पीड में आता है। बेसिकली देखो, अगर ये इस स्पीड से आ रहा था तो इसकी स्पीड बदल जाएगी, और अभी ऐसे आ रहा था, सीधे आ रहा था ना, अभी सीधे नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा टिल्ट हो गया आएगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ इसकी वेवलेंथ और स्पीड में चेंज आता है। जिसका आंसर क्या हुआ आपका? सी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 29वां क्वेश्चन, जो कि हमारा, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू इट्स कॉम्पोनेंट इज ड्यू टू, श्वेत प्रकाश के अपने घटक में विभक्त होने का कारण क्या है? देखो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आपने प्रिज्म देखा होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, प्रिज्म होता है, वो क्या करता है, हम इसके इनपुट पे, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको व्हाइट लाइट दूंगा, ठीक है, ये बदले में क्या करेगा, बदले में पास होके मुझे ये 7 लाइटें देगा। 7 लाइटें क्या होंगी? वो 7 लाइटें आपकी होंगी विबग्योर, विबग्योर करके 7 लाइटें होंगी। ये वही कलर है जो कलर आपके रेनबो में होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो रेड कलर है वो सबसे कम बेंट होगा, सबसे कम झुकेगा, बाकी विबग्योर जो वायलेट सबसे ज्यादा होगा। सबसे पहली चीज, इसी फिनोमिने को जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म में जाती है और बैंड होके ये जो 7 जो आपकी लाइट निकलती है, स्प्लिट होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन, फैलाव, इसी कारण ये इसका प्रोसेस का नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन, जो कि हमारा, द ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द सी इज ड्यू टू, समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण होता है? उसका रीजन है रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई बाय सी वाटर एंड स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी समुद्र के पानी से नीले आकाश का परावर्तन और पानी के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? बेसिकली जिस भी लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है, वो ज्यादा स्कैटर करता है। इसीलिए जो आपका ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर करता है, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ है वो काफी छोटी होती है, इसलिए जैसे ही हमारी आंखों में एंटर करता है हमें जो सी वाटर है वो ब्लू दिखाई देता है। समझ में आ गया मैंने क्या पॉइंट बताया? मैंने पॉइंट बोला कि जिस भी लाइट की वेवलेंथ कम होती है, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ, आर स्कैटर्ड मोर, जिसकी वेवलेंथ
कम होगी वो ज्यादा स्केटर करेगा। इसीलिए क्या होता है, जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम होती है और वो हमारी आंखों में जैसे ही पड़ता है तो हमें जो सी वाटर है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। इसका आंसर क्या होगा आपका, सी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 3100 क्वेश्चन जो कि हमारा, द बेस्ट कलर फॉर अ सन अम्ब्रेला विल बी, सूरज की छतरी के लिए सबसे अच्छा रंग कौन सा होगा। ब्लैक, ब्लैक तो कतई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर होगा तो वो सारी हीट एब्जॉर्ब करेगा, आपको गर्मी बहुत लगेगी। ब्लैक ऑन द टॉप एंड व्हाइट ऑन द इनसाइड, बात तो वही पड़ गई, अगर ब्लैक ऊपर हुआ तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। तीसरा है व्हाइट ऑन द टॉप एंड ब्लैक ऑन द इनसाइड, देखो ऊपर तो व्हाइट है, अगर ऊपर व्हाइट है तो क्या चीज़ होगा इससे, इससे यही चीज़ होगी कि कोई भी चीज़ वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ब्लैक इनसाइड है तो ब्लैक तो चलो कोई बात है, अंदर तो कुछ भी कोई इशू नहीं पड़ता, तो ये इसका आंसर हो सकता है। प्रिंटेड विद ऑल द सेवन कलर्स ऑफ रेनबो, देखो अगर सातों कलर ऊपर प्रिंटेड होंगे ना तो सबकी अलग अलग वेवलेंथ होगी, इससे कुछ एब्जॉर्ब करेगा कुछ रिफ्लेक्ट करेगा तो ये पॉइंट बनाएगा, तो इसलिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो आपका सी है, यानी ऊपर से उसको व्हाइट रखो लेकिन अंदर से उसको ब्लैक रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 3200 क्वेश्चन जो कि हमारा, मायोपिया इज अ डिजीज कनेक्टेड विद, मायोपिया एक बीमारी है जो किससे जुड़ी है, वो जुड़ी है आपकी आंखों से, आई से। मायोपिया को आप नियर साइटनेस भी बोलते हो, निकट दृष्टि दोष। इसमें बेसिकली होता क्या है, आपको पास की चीज़ें दिखती हैं लेकिन आप दूर की चीज़ें सही से देख नहीं पाते हो, होता क्या है बेसिकली, इसका रीज़न ऐसा होता है कि जैसे जो आपकी आँख है, ऐसे मान लो जो इमेज बनती है, इमेज वैसे बननी चाहिए कहाँ पे, रेटिना पे, बट वो जो इमेज बनती है ना वो इमेज बनती है आपकी रेटिना से थोड़ा सा पहले, मायोपिया में ऐसा होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आपका, डी आई सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 3300 क्वेश्चन जो कि हमारा, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा, दर्पण होने की संभावना क्या है। अच्छा कौन सा मिरर है, मतलब कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें जो आपकी इमेज है, जो आपकी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, मतलब इरेक्ट होता है, तो वो है आपका प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों केस में जो आपकी इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। मैं आपको चलो थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ किसकी, प्लेन मिरर की, पहले तो यहाँ प्लेन की बताता हूँ और आपको यहाँ बताऊंगा मैं आपकी कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ठीक है ना, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। प्लेन में जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम चीज इसमें भी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी बनती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है, जिस साइज पे आप आपका है वही साइज आपकी इमेज बनेगी उसी साइज की। इसमें डिमिनिश बनती है, मतलब थोड़ी सी छोटी बनती है। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं, जो डिस्टेंस होगा वो सेम होता है, मतलब आप जितनी भी डिस्टेंस पे आप मिरर से दूर खड़े हो आपको जो इमेज बनेगी वो भी उतनी ही डिस्टेंस पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, डिस्टेंस सेम होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा होता है इमेज के डिस्टेंस से। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मिरर की, जो जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, प्लेन मिरर है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, खूबियां पता होनी चाहिए, इससे आंसर देना आसान हो जाता है। तो क्या मिला इससे, वर्चुअल इरेक्ट किसमें बनती है, प्लेन और कॉन्वेक्स में, तो इसका आंसर ये हो गया। कॉनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इसका आंसर क्या होगा आपका, ए, ए इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 3400 क्वेश्चन जो कि हमारा, ऑप्टिक फाइबर्स आर मेनली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्टिक फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है, वो है आपका कम्युनिकेशन, संचार के लिए। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या है, ये एक तरह की न्यू साइंस है जो डाटा या कोई वॉइस या इमेज को ट्रांसमिट करती है बाय द पैसेज ऑफ लाइट, लाइट के थ्रू ये आपकी ये सब चीज़ें ट्रांसफर करती है, क्या आपका साउंड हो गया, आपका इमेज हो गई, आपका डाटा हो गया, ये सारी चीज़ें। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो आपके आसपास जहाँ पे इंटरनेट आ रहा होगा वो ऑप्टिकल फाइबर से आ रहा होगा। ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है जो लाइट पास करती है, ये कॉपर वगैरह से बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है। अगर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं एक अच्छे एरिया में गए, किसी मॉल वगैरह में गए या किसी अच्छे ऑफिस में गए, वहाँ पे आप देखोगे ना वहाँ पे नेट की स्पीड बहुत तेज होगी। उसका एक रीज़न ये है कि वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन चल रहा होगा, इससे क्या होगा स्पीड होती है ना बहुत तेज होती है, क्योंकि लाइट के देखो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है। अगर लाइट के फॉर्म में आपको कोई भी डाटा कोई भी इमेज अगर पास होती है तो वो बहुत तेज होगी, यही रीज़न होता है ऑप्टिकल फाइबर का रोल आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए, कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 3500 क्वेश्चन जो कि हमारा, मैग्नेटिक कीपर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट मैग्नेट्स फ्रॉम, चुंबक को डैग से बचाने के लिए चुंबकीय कीपर का उपयोग किया जाता है, किससे बचाते हैं, हम बचाते हैं सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, स्वयं विचुंबकीकरण के से। होता क्या है सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, अगर जैसे आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एक बैटरी आपके पास, ठीक है, एक सिंपल सी बैटरी है,
इस बैटरी के दो तार निकले होते हैं, एक प्लस के और एक माइनस के। अगर गलती से दोनों वायर आपस में ज्वाइन हो जाए क्या हो जाएगा, सारी बैटरी खत्म हो जाएगी आपकी, पूरा बैटरी आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो वही मैग्नेट में भी होता है, अगर मैग्नेट के जो पॉइंट्स होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, अगर आप उनको ऐसे छोड़ दोगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उसकी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम एक मैग्नेटिक कीपर इस्तेमाल करते हैं। ये मैग्नेटिक कीपर क्या होता है, एक तरह का सॉफ्ट आयरन होता है जो किसी एक कोने पर लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो अब डीमैग्नेटाइज नहीं होता। इसका आंसर क्या आपका ए, इसका आंसर हो गया। ये पढ़ते हैं हमारे 36वां क्वेश्चन जो कि हमारा, कंपास नीडल कैन नॉट बी यूज टू डिटेक्ट, कंपास सुई का पता लगाने के लिए उपयोग किसका, मतलब तो पता नहीं लगा सकते हो आप कंपास नीडल का यूज करके। इसलिए कंपास क्या होता है, जैसे मान लो आप कहीं खो गए हो, आपके पास कंपास है, तो आप कंपास का की हेल्प से ये देख सकते हो कि मेरे नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे। सबसे पहले तो कंपास जो होता है वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है कि नॉर्थ उत्तर डायरेक्शन कहाँ पे है। अगर आपको उत्तर दिशा पता चल गई तो आप दक्षिण पूर्व पश्चिम सब निकाल सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो ना भाई। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब ऐसा क्या है जो कंपास नीडल से पता नहीं कर सकते हम, तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ, चुंबक की ताकत, चुंबक कितनी स्ट्रेंथ वाला है, मतलब उसको बहुत ज्यादा है बहुत कम है, वो हम नहीं पता कर सकते कंपास नीडल से। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 37वां क्वेश्चन जो कि हमारा, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर, सबसे मतलब जो जल्दी पास कर देता है वो कौन सा है। पहले मतलब कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जो बिजली के सुचालक होते हैं, मतलब बिजली को पास कर देते हैं। सबसे अच्छा होता है आपका जो सिल्वर, क्योंकि सिल्वर के अंदर जो करंट को रोकने की जो क्षमता होती है, रेजिस्टेंस होती है, वो बहुत ही कम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा करंट पास करता है। अगर मैं सिल्वर के बाद बताऊंगा तो सिल्वर के बाद है कॉपर और कॉपर के बाद है गोल्ड। अगर मतलब बताऊँ सबसे अच्छा, अगर मैं कंडक्टर बताऊँ, सबसे पहले आता है सिल्वर, सिल्वर के बाद नंबर आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है गोल्ड, ऐसे ये इनकी कनेक्टिविटी है। अब आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि हम सिल्वर की वायर क्यों नहीं बनाते, अगर सिल्वर की जो आपकी कनेक्टिविटी है इतनी अच्छी है तो हम सिल्वर की वायर क्यों नहीं बनाते हैं। इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि सिल्वर बहुत महंगा है, चांदी बहुत महंगी होती है, आप चांदी से वायर कितनी बना सकते हो, दैट्स द रीज़न जो हम वायर बनाते हैं वो कॉपर की बनाते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका, डी, सिल्वर इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 38वां क्वेश्चन जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन है जो गलत मैच कर रखा है। तो पहला ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, गलत। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं करंट नापने के लिए, मतलब छोटे छोटे करंट भी नापता है वो। दूसरा ऑप्शन है एमीटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, एकदम ठीक है, एमीटर होता है बेसिकली, उसमें आप ऐसे ए तक का सिंबल होता है जिससे आप करंट नाप सकते हो। पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं ईएमएफ नापने के लिए, बिल्कुल ठीक है, पोटेंशियोमीटर का आप कई जगह इस्तेमाल करते हो, इससे आप करंट भी नाप सकते हो, वोल्टेज भी नाप सकते हो, ईएमएफ भी नाप सकते हो। अगला है मीटर ब्रिज का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए, बिल्कुल ठीक है, ये तीनों ऑप्शन ठीक है, बट पहला ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या आपका, ए, ए इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 39वां क्वेश्चन जो कि हमारा, माइक्रोफोन इज अ डिवाइस इन विच, माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जिसमें क्या होता है बेसिकली, माइक्रोफोन में जो आपकी साउंड वेव्स हैं आर कनेक्टेड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन रिकवर्ड इनटू साउंड आफ्टर ट्रांसमिशन। जो आपकी ध्वनि तरंग होती है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचार के बाद ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है दोबारा, ठीक है, बेसिकली यही होता है। तो माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो मुझे उसको साउंड देना है, मतलब मैं कुछ बोलूंगा वो उसको लेगा। तो जैसे मैंने माइक का यूज़ किया, तो माइक क्या है, माइक एक माइक्रोफोन है, मैंने बोला, मैंने तो साउंड एनर्जी बोली, अब उसने क्या किया, उसने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और कंप्यूटर को फीड किया ताकि वो समझ सके। इसका आंसर क्या हुआ आपका, सी, सी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 40वां क्वेश्चन जो कि हमारा, क्रिकोजेनिक इंजन्स फाइंड एप्लीकेशन से, क्रायोजेनिक इंजन कहाँ पे यूज़ करते हैं आप, करते हैं उसको रॉकेट टेक्नोलॉजी में। होते क्या है, ये वो इंजन होते हैं विच द फ्यूल यूज इन गैसेज डेट आर कंप्रेस एंड लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, मतलब इसमें वो फ्यूल यूज होता है जो फ्यूल बहुत जल्दी बहुत कम टेम्परेचर पे कंप्रेस और लिक्विफाइड, मतलब अलग किया गया हो बहुत ही कम टेम्परेचर पे और कंप्रेस किया गया, मतलब कंप्रेस मतलब क्या होता है कि उसको दबा के किसी चीज़ में स्टोर करना। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ए, रॉकेट टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी बढ़ते हैं हमारे 41वां क्वेश्चन जो कि हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी एक आयामी मात्रा है, तो वो है आपका स्ट्रेन, तनाव। बेसिकली स्ट्रेन आपकी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखते हैं कि बाकियों की क्या होती है। अगर मैं बात करूँ कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट की और मैं यहाँ बताऊँगा कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, मैं मतलब आपको ईजी कर देता हूँ समझने को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट होती है वो होती है आपकी पॉइज़ेले, ठीक है,
डायमेंशन क्या होती है इसकी, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। अगर आपने 11th या 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप क्या करते हो, किसी भी यूनिट को ना, मतलब किसी भी आपका एलिमेंट है कुछ क्वांटिटी, उसको आप डिफाइन करते हो उसकी डायमेंशन के बेस पे, कि मास कितना है, लेंथ कितनी है, टाइम कितना लगेगा, तो इस पर हम डिफाइन करते हैं। गैस कॉन्स्टेंट की बात करूंगा तो जो इसकी यूनिट होती है वो होती है जूल सेकेंड। यूनिट की बात करूंगा तो एम एल टी माइनस वन होती है। ऐसे ही प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की बात करूं तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर मोल के, और जो इसकी डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ए इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 42वां क्वेश्चन जो कि हमारा, अ न्यूक्लियर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस इन टर्म्स ऑफ, एक परमाणु प्रतिक्रिया के संदर्भ में संतुलन होना चाहिए किसके बीच में, मास एंड एनर्जी के बीच में, क्योंकि मास एंड एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, हमें न्यूक्लियर रिएक्शन में इनको कंजर्व करके रखना पड़ता है। इसका आंसर क्या होगा, डी, डी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा 43वां क्वेश्चन जो कि हमारा, फॉर टेकिंग द क्लिनिकल फोटोग्राफ ऑफ बोन्स बी यूज, हड्डियों की नैदानिक तस्वीर लेने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, हम करते हैं एक्सरे का यूज। बेसिकली जैसे आपके पैर में चोट लगी है, किसी के पैर में चोट लगी तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं पहले एक्सरे करा लो। एक्सरे से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हड्डी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। तो ये एक्सरे क्या होता है, जब एक्सरे हम करते हैं ना, हमारी बॉडी में कई सारे टिश्यूज होते हैं, हर टिश्यूज का अलग अलग एक्सरे को लेने का तरीका होता है। जैसे कि जो बोन्स हैं जो उसमें कैल्शियम से बना होता है, तो वो एक्सरे को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और इसलिए हमें वाइट दिखते हैं। कुछ और टिश्यू जो आपको ब्राउनिश येलोइश दिखेंगे, तो इसलिए अंतर निकालना आसान हो जाता है। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सी एक्सरे का हम इस्तेमाल करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 44वां क्वेश्चन जो कि हमारा, अ वॉच स्प्रिंग व्हेन वाउंड अप एक्वायर्स, एक घड़ी वसंत जब आओ घाव अब प्राप्त हो जाता है। बेसिकली जब आपने घड़ी पहनते हो हाथों में, घड़ी में अगर आपको टाइम चेंज करना होता है तो क्या करते हो, अगर आपके पास घड़ी है तो आप क्या करोगे, साइड में एक नीडल सा होता है, आप उसको साइड में खींचते हो पहले, फिर टाइम सेट करते हो और फिर उसको प्रेस कर देते हो, यही करते हो ना। तो वहीं पे पूछा जा रहा है कि वो क्या एक्वायर करता है, कौन सी एनर्जी, कौन सी ऊर्जा एक्वायर करता है, तो वो करता है पोटेंशियल एनर्जी, संभावित ऊर्जा। कैसे, एनर्जी इज स्टोर्ड अंटिल द फोर्स इज रिमूव्ड एंड द ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप डूइंग वर्क इन द प्रोसेस। बेसिकली होता क्या है कि जब तक वो एनर्जी को स्टोर करता है, जब तक कि आपने उसको वापस उसी पोजीशन में नहीं डाल दिया, जैसे कि आपने उसको पहले क्या किया, आपने नीडल को बाहर खींचा, जब तक आप उस नीडल को अंदर प्रेस नहीं कर दोगे, वो दोबारा उस अपने काम को स्टार्ट नहीं कर देगा, ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, तब तक वो एनर्जी को स्टोर करता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में करता है। इसका आंसर क्या हुआ आपका, सी पोटेंशियल एनर्जी इसका आंसर हो गया। कभी भी बात आती है पोजीशन की, तो पोजीशन के केस में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब रोल आता है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी एच। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे 45वां क्वेश्चन जो कि हमारा, अ माइक्रोन इज इक्वल टू, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, वो होता है आपके 0.001 मिलीमीटर बराबर। बेसिकली होता क्या है, वन माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। ठीक, किसका आंसर आपका, सी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 46वां क्वेश्चन जो कि हमारा, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति का आपको उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्या उपयोग करना चाहिए। हमने अभी डिस्कस किया था मायोपिया कौन सी डिजीज होती है, निकट दृष्टि दोष, जिसमें पास का तो दिखता है बट दूर का नहीं दिखता, तो क्या यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया भी था थोड़े पहले कि जो इमेज होती है वो रेटिना से थोड़ा सा पहले बनती है, तो इसको ठीक करने के लिए हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस क्या करेंगे, बेसिकली कुछ ऐसे होते हैं आपके कॉनकेव लेंस, तो ये क्या करते हैं, जो इमेज आपकी रेटिना पे नहीं बन रही होती है वो रेटिना पे इमेज बना देते हैं। तो आंसर क्या हुआ आपका, बी कॉनकेव लेंस का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 47वां क्वेश्चन जो कि हमारा, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये इकाई है डिस्टेंस की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन अ ईयर, एक साल में एक लाइट मतलब तो कोई भी लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो आंसर क्या हुआ आपका, बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे 48वां क्वेश्चन जो कि हमारा, वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन, वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता, वो एयर के प्रेशर पे, हवा के दबाव पे निर्भर नहीं करता। देखते हैं कैसे, देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं एग्जांपल दूं, डेंसिटी ऑफ एयर, अगर एयर की डेंसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा जो साउंड की स्पीड है वो बढ़ती है। देखो अगर आपको डेंसिटी की एग्जांपल दूं, तो एक सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं, एक सॉलिड लेते हैं, सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें होती टाइटली पैक्ड होती हैं, तो जो साउंड की एनर्जी है सॉलिड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तो हो गया डेंसिटी में। टेम्परेचर ऑफ एयर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा एयर का, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो भी बढ़ जाएगी, तो डिपेंड तो इस पर भी बन गया। ऐसे ही बात करूँगा ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी में कोई भी चेंज आएगा तो इससे साउंड में चेंज तो आएगा बट बहुत छोटा सा आएगा, बट चेंज तो आएगा ना।
तो इसीलिए प्रेशर ऑफ एयर होता है, हवा का जो दबाव होता है, उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ साउंड को। इसका आंसर क्या होगा आपका? सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 49वां क्वेश्चन जो कि हमारा डायनमो इज यूज टू कन्वर्ट। डायनमो का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ये कन्वर्ट करता है आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डायनमो को आप एक तरीके से इलेक्ट्रिकल जनरेटर बोल लो। इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है? देखो बेसिकली आप इलेक्ट्रिकल जनरेटर को क्या देते हो, आप उसको देते हो डीजल। डीजल क्या करता है? ऐसा मैकेनिकल एनर्जी होता है आपको बदले में। जनरेटर क्या देता है? बदले में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, लाइट देता है, जैसे कि आप भाई टीवी चलाते हो, जनरेटर से लाइट चलाते हो, शादी पार्टी में आपने देखा होगा। तो डायनमो ही एक तरह का आपका इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ आपका? ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो हमारा 50वां क्वेश्चन कहता है शेविंग मिरर इज, शेविंग मिरर क्या है बेसिकली? शेविंग मिरर एक कॉनकेव मिरर होता है, एक अवतल दर्पण होता है। कॉनकेव मिरर क्या करता है? जो आपका कॉनकेव मिरर होता है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है एक केस में, और वो बहुत इमेज बहुत लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है। जैसे ही मैं अपने फेस को इसके पास लाता हूँ तो इमेज बनती है, बहुत बड़ी बनती है। इसलिए शेविंग मिरर में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। शेविंग मिरर की तरह कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ आपका? बी, बी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा फिजिक्स की सेकंड क्लास खत्म होती है, और यही हमारा फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम अगली क्लास से हमारा जो जनरल साइंस का कॉन्सेप्ट है इसमें हम केमिस्ट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको कोई परेशानी आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको हर वीडियो बताता हूँ, हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखे हैं, और भी कुछ वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।